इंडियन आइडल विनर रिशी सिंह। पिता बाबू बनाना चाहते थे, बेटा बना सुरों का सरताज। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे ऋषि के माता पिता की क्या इच्छा थी और ऋषि ने क्या कर दिखाया और कैसे क्या हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं वीडियो में, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन आइडल का मंच ऑडिशन राउंड। निर्णायक के तौर पर देश के नामी गिरामी गायक गीतकार मंच पर करीब 19 साल का एक दुबला पतला लड़का आया। मामूली सी चेक शर्ट, पतले फ्रेम का चश्मा, मन में ढेर सारा डर और संकोच, हाथ में एक डिब्बा और अभिवादन में राम राम। जजों ने जब पूछा हाथ में क्या है तो बहुत ही सोचते हुए बताया कि अयोध्या से आया हूँ, हनुमान गढ़ी का प्रसाद लाया हूँ। और जजों ने हंसते हुए प्रसाद को लिया। उस लड़के के हाथ में माइक थमा दिया गया और आदेश हुआ कि सुना। लड़के ने अपनी गायकी का एक ऐसा नमूना पेश किया कि जज भी दंग रह गया और उस शो को देखने वाले लाखों दर्शक जो है वो मंत्रमुग्ध हो गए। वह लड़का था ऋषि सिंह। जी हाँ दोस्तों, कुछ घंटे पहले जब चेस्ट नंबर 1059 से जाने जा रहे ऋषि लोगों के दिलों में जगह बना चुके थे। 6-7 महीनों के इंडियन आइडल का सफर एपिसोड दर एपिसोड जैसे जैसे आगे बढ़ा, अयोध्या के लाल के सुरों के प्रति दीवानगी जो है वो बढ़ती गई। रविवार को हुए इंडियन आइडल के 13वें सीजन के फिनाले का चैंपियन बन छा गया ऋषि। ऋषि के पिता उसे सरकारी बाबू बनाना चाहते थे, लेकिन वो सुरों के सरताज बन गए। अयोध्या के गुदड़ी बाजार के रहने वाले राजेंद्र सिंह और अंजलि सिंह के ऋषि इकलौते बेटे। हालांकि इंडियन आइडल के मंच से ही ऋषि ने यह खुलासा किया था कि उनके अभिभावकों ने उन्हें गोद लिया था। और इसका पहले भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। स्टोरी क्या है ऋषि सिंह की। जिस दिन वह पैदा हुआ था उनके मूल माता पिता उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और राजेंद्र अंजलि इस मुद्दे पर भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि इस मुद्दे को मत ही छेड़िए, बस इतना जान लीजिए कि ऋषि हमारा बेटा है और हमारा ही बेटा है। राजेंद्र बताते हैं कि उनका परिवार आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है और वह आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं। ऋषि को 3 साल की उम्र से ही घर के बगल में स्थित गुरुद्वारा, अयोध्या के दूसरे मंदिरों, कनक भवन सहित अन्य जगहों पर होने वाले सत्संग भजन के कार्यक्रमों में लेकर जाते थे। ईश्वर की कृपा थी कि उसके अंदर संगीत के प्रति जो है वो दिलचस्पी जगी। यही एक स्कूल में उसका दाखिला कराया तो वहां भी वह संगीत के आयोजनों में हिस्सा लेता रहा। स्कूली कार्यक्रमों से लेकर भजन कीर्तन में भी उसकी गायकी ने लोगों का ध्यान खींचा और गाने के साथ ही हारमोनियम और भी कई तरीके से उन्होंने वो अपना मंच लगाया। तो दोस्तों, काफी मंच किया ऋषि ने, हारमोनियम, गिटार, तबला और कई तरीके से उसने गाना स्टार्ट किया। तो ऋषि के पिता जो कहते हैं कि अयोध्या में संगीत की कोई औपचारिक जो है वो शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी और बाहर ले जाने की हमारी कोई आर्थिक स्थिति भी नहीं थी कि हम बाहर कहीं ले जाकर ऋषि को इस तरीके का सिखाएं, इसलिए भजन कीर्तन के कार्यक्रम से ही उसकी औपचारिक शिक्षा दी। इसके अलावा एक स्थानीय गुरु सत्य प्रकाश ने भी सुरों को निखारने में उनकी मदद की, ऋषि की मदद की। ऋषि के गायन की चर्चा जो है वो धीरे धीरे क्या हुआ कि स्कूल परिसर व मोहल्ले में बाहर पहुंचने लगे और अयोध्या महोत्सव जैसे मंच और कुछ निजी कार्यक्रमों में भी ऋषि के सुर गूंजने लगे और इसके साथ ही उसके सपने भी आकार होने लगे। हालांकि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के सपने ऋषि से कुछ अलग थे। पिता बताते हैं कि वो अयोध्या के मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में वरिष्ठ सहायक है और बहुत ही साधारण परिस्थितियों में आगे बढ़े और ऋषि को जो है वो पाला है। इसलिए हमारी ख्वाहिश थी कि पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी पा जाए जिससे भविष्य जो है वो सुरक्षित हो जाए। आखिरकार ऋषि की कोशिशें जो है वो सफल हुई और इस बार इंडियन आइडल के ऑडिशन में चुन लिए गए। माता पिता कहते हैं कि ऋषि को जिस मौके की तलाश थी वो मिल गया और ऑडिशन में चुने जाने के बाद ही वो आश्वस्त है कि बेटा विजेता बनेगा और ऋषि के टैलेंट की मुरीद जो है वो बढ़ती गई। इंडियन आइडल के मंच पर आने वाला हर सेलिब्रिटी जो है उनका प्रशंसक बनकर लौटा। माधुरी दीक्षित से लेकर रानी मुखर्जी तक ने तारीफों के पुल बांधे। एआर रहमान जैसे संगीतकार ने भी ऋषि में भविष्य देखा। क्रिकेट के किंग जो है वो विराट कोहली भी ऋषि के लिए फैन हो गए। ऋषि बताते हैं कि जब विराट ने उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो किया तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था, उन्हें लगा कोई फैन पेज का अकाउंट होगा। फिर देखा तो ये तो कोई और नहीं विराट कोहली थे और उनकी खुशी का कोई जो है वो ठिकाना नहीं रहा। ऋषि को कुछ और जो है शोज व टीवी चैनल के कार्यक्रमों में बुलाया गया और इंडियन आइडल में मिली जीत के बाद ऋषि भविष्य को लेकर
काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि कुछ प्रोजेक्ट मिले हैं, उम्मीद है कि अयोध्या के लाल की पहचान और अपेक्षाओं को वो आगे ले जाने में सफल होंगे। तो अयोध्या के लोकल बॉय से गायकी का नेशनल फेस बन चुके ऋषि ने अपने पांव जमीन पर ही रखे हैं। उनके स्कूली दिनों में साथ में सैनिटाइजर पर संगत करने वाले स्कूल के जूनियर रघुवर बताते हैं कि हम लोग घर पर भी गाने का रियाज करते थे और मंच पर भी उन्होंने खूब तारीफ बटोरी, लेकिन टीवी पर छाने के बाद भी उन पर स्टारडम चढ़ा और ना ही घमंड चढ़ा। हमारी फोन पर अक्सर बात हो जाती है। फाइनल के पहले रामनवमी पर ऋषि जब अयोध्या शूटिंग के लिए आए थे तो उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया और पर क्रू से मुलाकात कराई। अयोध्या में उनका शानदार स्वागत हुआ। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की ओर आयोजित राम जन्मोत्सव में भी ऋषि ने उसी शिद्दत से गाया और वह अयोध्या के कार्यक्रम में भी पहले गाया करते थे। तो बताना चाहते हैं कि इतनी फेम मिलने के बाद भी ऋषि को कोई भी ऐसा स्टारडम अभी नहीं चढ़ा और अभी भी ऋषि हर लोगों से मिलते हैं और प्यार से बातें करते हैं। दोस्तों, तो यही थी ऋषि सिंह की स्टोरी कि वो कहां से शुरुआत किया उन्होंने और क्या बनकर दिखाया। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगी आप भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो करके अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करेंगे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप ऐसे स्टोरी को जानने के बाद आप कितना मोटिवेट होते हो, क्या सोचते हो इसके बारे में, ऋषि सिंह कैसा है, ऋषि सिंह का बिहेव अभी कैसा लग रहा है आप सभी को, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।